हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब के चैनल में। और गाइस, अगर आप सभी लोग यहाँ पे सेटिंग में जाके कोई भी परमिशन सेटिंग आप अलाउ करना चाहते हैं, तब यहाँ पे आपको इस तरीके से प्रॉब्लम आती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा रहता है डिवाइस रिक्वायर दिस परमिशन टू ऑपरेट। तो अगर आप यहाँ पे किसी भी एप्लीकेशन में सेटिंग को ओपन करने के बाद यहाँ पे आप परमिशन को अलाउ करना चाहते हैं परमिशन को, तो यहाँ पे आपको ये प्रॉब्लम आती है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे बेसिकली ये जो प्रॉब्लम रहता है वो बहुत सारे फ़ोन्स में आती है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आप अपने फ़ोन को एक बार पावर ऑफ कर लीजिए और फिर से उसको ऑन करिए, और उसके बाद आप सेटिंग में आके फिर से देखिए कि आपको ये प्रॉब्लम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और अगर आपको फिर भी ये प्रॉब्लम आती है तो ऐसे में आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन आता है गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, यहाँ पे लिखा रहता है सी ऑल एप्स विथ दिस परमिशन। तो यहाँ पे आपको ये वाला ऑप्शन आता है, तो यहाँ पे आपको इसको क्लिक करना है। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पे दोस्तों आप इसका परमिशन अलाउ कर सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये सारी परमिशंस आपको अलाउ करने का ऑप्शन यहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। सॉरी, कुछ कुछ में ये ऑप्शन नहीं आएगा, बट ज़्यादातर में आपको ये ऑप्शन देखने को मिल जाता है गाइस। तो ट्राई ज़रूर करके देखिएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं अलाउ करने का ऑप्शन आ रहा है। हो सकता है आप जिस चीज़ को अलाउ करना चाहते हैं उसका ऑप्शन यहाँ पर इनेबल हो। ओके, तो इसी तरीके से आपको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।